बेटा इस लेक्चर नंबर 17 में हम इसी क्वेश्चन रूल को एक और मेथड से जो है वो प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये जो हमने प्रूव करना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स। इसको मैं लिखने लगा हूं एफ ऑफ एक्स और इस फ्रैक्शन को मैं अलहदा कर। अब देखें प्रोडक्ट थ्योरम हमने क्या पढ़ा था, अगर आपको याद हो हमने प्रोडक्ट थ्योरम में ये अंडरस्टैंड किया था कि एक फंक्शन एज इट इज और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, उसके बाद सेकंड फंक्शन एज इट इज और फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। अब ये देखें, ये जो 1 ओवर जी एक्स है, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि ये हमारा रेसिप्रोकल लॉ है। इस फार्मूले को मैं यहां लिखता हूं कि डेरिवेटिव ऑफ 1 ओवर जी एक्स ये किसके इक्वल है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स का स्क्वायर। ये क्या है, ये रेसिप्रोकल लॉ है। इसका जो ये जो डेरिवेटिव है, ये जो राइट साइड है, इसको मैं एज इट इज यहां पर लिखूंगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं माइनस डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये 1 ओवर जी ऑफ एक्स और इसकी जगह मैं लिख रहा हूं एफ प्राइम एक्स। अब ये देखें, इसको मैं लिख सकता हूं यहां पर एफ ऑफ एक्स माइनस जी प्राइम एक्स, डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया, जी प्राइम एक्स, इसका स्क्वायर प्लस इसको मैं लिख रहा हूं एफ प्राइम एक्स ओवर जी ऑफ एक्स। अब इन दोनों का मैं एलसीएम लेता हूं तो मेरे पास बनेगा जी ऑफ एक्स का स्क्वायर। ये देखिए, अब ये एज इट इज आ जाएगा, ये माइनस एफ ऑफ एक्स जी प्राइम एक्स प्लस ये जी ऑफ एक्स वन सा टाइम है, यहां पर जो है वो ट्वाइस सा टाइम है, तो एक जी ऑफ एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसकी पोजीशन चेंज करके मैं लिख देता हूं, इसको मैं स्टार्ट में लिख देता हूं माइनस इसको मैं बाद में लिख देता हूं। तो ये चेक कर लें, ये हमारी राइट साइड आ गई थी, ये देखें ये हमारी लेफ्ट साइड थी और ये हमारी राइट साइड है। चेक कर लें, जी ऑफ एक्स एफ प्राइम एक्स माइनस एफ प्राइम एक्स जी प्राइम एक्स ओवर जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। थैंक यू।